और आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं टॉप 5 मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजीज दैट एवरीवन शुड नो। पहला टर्म मैं बात करूंगा डेटा सेट। डेटा सेट एक नाम से पता चल रहा है कि डेटा सेट मतलब होता है कि डेटा का एक सेट जिसमें से हम ऑपरेशंस कर सके। सो डेटा सेट बेसिकली क्या होता है, जो भी डेटा आपके पास्ट से आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वो हमारा डेटा है, और उसका एक CSV फाइल बना के या XLSX फाइल बना के हम लोग उसे डेटा सेट बोलते हैं जिसमें हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और डेटा सेट इज द की टू मशीन लर्निंग। जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा एल्गोरिथम, अच्छे से मेरा मतलब है ज्यादा। सो डेटा सेट एक टर्म है जो सबको पता होना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड टर्म है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जैसा हम सबको पता है एक इंग्लिश टर्म है, एक बेसिक इंग्लिश टर्म है जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। बट मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन का मतलब होता है हम अपने जो भी क्लास को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जो भी क्लास की वैल्यू या फिर कैटेगरी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं। मानिए हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि ये जो इमेज में, मानिए ये इमेज है और इस इमेज में डॉग है या कैट। सो हमारा प्रेडिक्शन क्या है, डॉग। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। और एक प्रेडिक्शन का एग्जांपल है हाउस ऑफ अ प्राइस। हाउस ऑफ अ प्राइस प्रेडिक्शन क्या करेगा कि जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी उसके क्लासेस हैं, वो उनके डेटा के हिसाब से इस हाउस का प्राइस क्या होना चाहिए वो ये निकालने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रेडिक्शन। तीसरा टर्म है क्लासेस। जो भी डेटा सेट की लेबलिंग होती है उसे हम क्लासेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग और कैट क्लासिफायर में दो क्लास है हमारे पास, डॉग और एक कैट, या तो वो डॉग है या तो वो कैट है। वैसे ही जैसे डिजिट्स क्लासिफायर सब बनाते हैं, राइट, हैंड रिटन डिजिट्स सब बनाते हैं। तो हैंड रिटन डिजिट्स की क्लासेस क्या है, 0 से लेके 9 तक, वो हमारी क्लासेस है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासेस डिफाइन करते हैं, और ये बेसिकली होती है क्लासेस। चौथा टर्मिनोलॉजी है टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल उन्हीं क्लासेस में से होता है जो हमारे पास क्लासेस रखी हुई है, उन्हीं क्लासेस में से एक या दो या जितने भी हमारे पास जरूरत के हिसाब से जो टारगेट वेरिएबल होता है वो होता है टारगेट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ अ प्राइस प्रेडिक्शन में हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, टारगेट वेरिएबल है हमारा हाउस ऑफ अ प्राइस। अब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होंगी, एक क्लास होगी उसमें से नंबर ऑफ बेडरूम, एक क्लास होगी स्क्वायर फीट ऑफ अ हाउस, एक क्लास होगी लोकेशन ऑफ अ हाउस, और एक क्लास होगी प्राइस ऑफ अ हाउस। तो वो जो प्राइस ऑफ अ हाउस हमें प्रेडिक्ट करना है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, और वो हम उसके प्रीवियस डेटा के हिसाब से उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टारगेट वेरिएबल वो होता है जो जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, जिसको हमें टारगेट करना है कि हमें इसकी रिजल्ट चाहिए, तो उसको बोलते हैं टारगेट वेरिएबल। पांचवा टर्मिनोलॉजी है वैलिडेशन या फिर टेस्ट। वैलिडेशन और टेस्ट दो ऐसे टर्म हैं जो कभी कभी साथ में भी, कभी कभी उनका मीनिंग सेम भी होता है और कभी कभी उनका मीनिंग डिफरेंट भी होता है। वैलिडेशन और टेस्ट कहाँ पर सेम है, वैलिडेशन और टेस्ट वो डेटा होता है जो अनसीन है। अब जैसे हमने पहले टर्म जो डेटा सेट था, डेटा सेट को डाउनलोड किया और उस डेटा सेट में से उसको डिवाइड किया ट्रेनिंग टेस्ट में, ट्रेनिंग पोर्शन में और टेस्टिंग पोर्शन में। तो वो जो टेस्टिंग पोर्शन है वो हमारा वैलिडेशन करने के लिए, अपने मॉडल को वैलिडेट करने के लिए उसको अलग रख देता है, उसको देखते भी नहीं है। और हमारा जो ट्रेनिंग पोर्शन होता है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है, उस पर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो जो हमने अलग रखा है उसको बोलते हैं हम टेस्टिंग डेटा सेट या वैलिडेशन डेटा सेट। बट कभी कभी कुछ केसेस में हमें तीनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट तीन अलग अलग में डिवाइड करते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप IGTV पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। तो ये थे कुछ 5 टर्मिनोलॉजीज मेरे हिसाब से मशीन लर्निंग में सबको पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज अभी बची हुई हैं, बट ये 5 बेसिक टर्मिनोलॉजीज सबको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।